क्लास लास्ट लेक्चर में वी सी द ब्रिज कोर्स ऑफ डे 37, 35 एंड 36. नाउ इन टूडेज लेक्चर वी सी द एक्सरसाइज ऑफ डे 37 एंड 38. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इफ ए बी सी डी आर पर प्रोपोर्शन एंड द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 8, वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी. देखो अगर ये प्रोपोर्शन में स्टूडेंट तो क्या होता है, ये प्रोपोर्शन में तो यह आता है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी. तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी. वैल्यू पुट कर दो तो आपको डी की वैल्यू मिलेंगी. डी की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 6, देन वेरीफाई ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन आर नॉट. तो सेम फार्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट, ये ए क्रॉस डी इक्वल टू सी बाई डी. देखो 12 इक्वल टू 12 आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, इफ एम इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 12 एंड 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम. अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो देखो मैं एम स्क्वायर इक्वल टू लिख रहा हूँ, एम स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 3, तो एम स्क्वायर इक्वल टू 12 3 36, तो एम इक्वल टू 16 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट. तो ये होगी स्टूडेंट एक्सरसाइज डे 37 की. तो आज के इस लेक्चर में हम दोनों देखने वाले हैं. नाउ डे 38 इसकी एक्सरसाइज देख लो स्टूडेंट, क्या दिया है. फर्स्ट द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 9:5 एंड देयर डिफरेंस इज 96, देन फाइंड अ नंबर. तो स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट नंबर लिख रहा हूँ 9x, क्योंकि इसका रेशो 9:5 है, इसलिए x मैं कॉन्स्टेंट यूज कर रहा हूँ. एंड सेकंड नंबर भी 5x. बाय फर्स्ट कंडीशन द रेशो ऑफ टू नंबर इज 9:5 एंड देयर डिफरेंस इज 96. यानी क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, 9x-5x=96. तो x की वैल्यू यहाँ पे मुझे 24 मिल गई है. देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या था मेरा 9x, तो 9 × 24 = 216 एंड सेकंड नंबर इज 5x, 5 × 24 = 120. उसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड देयर सम इज 112, देन फाइंड अ नंबर. लेस फर्स्ट नंबर भी 3x एंड सेकंड नंबर भी 4x बाय कंडीशन. इसको जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने सॉल्व किया स्टूडेंट, एज इट इज ये एग्जांपल है, तो इसको आप लिख लेना. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन, द रेशो, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ मीनू एंड हर ब्रदर इज सुधीर इज 3:4. द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 5 years, देन फाइंड देयर पेरेंट्स. तो स्टूडेंट फर्स्ट है एज ऑफ मीनू बी 3x years एंड एज ऑफ सुधीर बी 4x years. बाय गिवन कंडीशन 4x-3x कितना आता है, 5 आता है. देयर फॉर एज ऑफ मीनू इक्वल टू 3x, 3 × 5 = 15 एंड एज ऑफ सुधीर इज 4x, दैट मीन्स 4 × x, तो 4 × 5 = 20. तो यू देयर फॉर एज ऑफ मीनू कितना आएगा, 15 years एंड एज ऑफ सुधीर इज 20 years. इसके साथ स्टूडेंट हमारा डे 37 और डे 38 कंप्लीट हो चुका है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डे 39 और डे 40 देखेंगे. थैंक यू.